सरोकार। हवाई हमलों का अलर्ट, लगातार बज रहे एयर रेड सायरन। पंजाब में भगवंत मान आज संसद की सदस्यता से देंगे इस्तीफा। संसद में आज से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कोरोना पॉजिटिव। अमेरिकी सैन्य अधिकारी का दावा, यूक्रेन से युद्ध में रूस ने चीन से मांगी सैन्य और ड्रोन मदद। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 19वां दिन है, लेकिन हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। रविवार को रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में स्थित मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर मिसाइल अटैक किया। रूस ने इसमें 180 देशी लड़ाकों की मौत का दावा किया है। रूस का दावा है कि उसमें यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर 30 से ज्यादा मिसाइल बरसाई। हालांकि यूक्रेन ने इससे अलग दावा किया है। यूक्रेन का कहना है कि इस हमले में 35 लोगों की मौत हुई है। वहीं रूसी हमलों में एक विदेशी पत्रकार की मौत भी हो गई है। यूक्रेन की सांसद इन्ना सोवसुन ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इरपिन में रूस की गोलीबारी में विदेशी पत्रकार की मौत हो गई है। वहीं एक अन्य विदेशी पत्रकार को इलाज के लिए ओखमदित अस्पताल ले जाया गया है। संसद के बजट सत्र का आज दूसरा चरण है और ये दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, जिसमें विपक्ष सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। बजटीय प्रस्ताव के लिए संसद की मंजूरी लेना और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करना सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगे और सदन में इस पर दोपहर के भोजन के बाद कार्यवाही के दौरान चर्चा की जा सकती है। सरकार ने संविधान आदेश विधेयक को भी लोकसभा में विचार किए जाने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। बजट सत्र के पहले चरण में 29 जनवरी से 11 फरवरी तक दो अलग अलग पालियों में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही संचालित की गई थी। यूपी चुनाव में मिली हार के बाद आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अखिलेश की मुलायम सिंह यादव ने तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत अच्छा लड़े। बता दें कि यूपी में बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने इस बार 273 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली। योगी आदित्यनाथ कुछ ही दिनों में दोबारा यूपी के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 के जनादेश का जनता का सम्मान करते हुए स्वीकार करता है। यूपी में भाजपा के पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनने पर गोरखपुर के मुस्लिम समाज के लोगों में खुशी देखने को मिली। वहीं इस दौरान योगी की जीत की खुशी में गोरखनाथ मंदिर स्थित आवास के पास रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग गाजे बाजे के साथ बुलडोजर लेकर सड़क पर आ गए, जबकि इस बुलडोजर यात्रा के दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। किस बारे में आप लोग खुशी मना रहे हैं, किस लिए? कि आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत और योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का दोबारा मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने की खुशी में आज मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रसूलपुर में लोगों में अबीर गुलाल उड़ा करके बांट करके और साथ में बुलडोजर चला करके खुशी का इजहार किया है।
योगी आदित्यनाथ का कौन सा काम आपको पसंद आता है? पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास किया है और उस विकास कार्य में सबसे ज्यादा लाभान्वित। न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जनपद अंबेडकर नगर में न्यायिक अधिकारियों के लिए बने 12 आवासों का पूजन और लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान न्यायमूर्ति ने वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर न्यायाधीश अनमोल पाल प्रधान, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय चंद्रहास राम समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। खबर बदायूं से है, जहां उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव मिहौना में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी पहुंच गए और मृतक की शिनाख्त करने में जुट गए। जिसके बाद युवक के जेब से मिले आधार कार्ड और वोटर पर्ची से उसकी पहचान हो पाई, जबकि हत्या के दौरान मौजूद लोगों ने पूछताछ में बताया कि युवक की गोली मारकर हत्या की गई है और शव को फेंक कर हत्यारे फरार हो गए। जनपद बदायूं के उझानी थाना अंतर्गत अही टोला के पास जो खेत स्थित खेतों में आज प्रातःकालीन एक डेड बॉडी मिली है, जिसके पास एक आधार कार्ड मिला है। इस आधार कार्ड से इसकी शिनाख्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि ये युवक शाहजहांपुर का निवासी है। आधार कार्ड से इसका सत्यापित इसको किया जाएगा, वहाँ से वार्ता की जा रही है। मौके पे घटनास्थल के निरीक्षण से ऐसा लग रहा है कि गोली मार। संभल के गुन्नौर थाना में पुरानी रंजिश के चलते खेत की रखवाली करने जा रहे युवक के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की, जिसके बाद युवक ने वहां से भागने की कोशिश की। वहीं ग्रामीणों ने घायल युवक को देखते हुए आनन फानन में उसको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल के लिए जुट गई और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीडीसी में ठाड़े भाई पाले तो बीडीसी पे इनके पड़े 450 वोट और उनके पड़े 250, भैया के दुश्मनी बंद चली गई। ये बीटीसी का चुनाव जीत गए थे? हार गए, दो से लंबे तो ये रंजिश थी, उसी रंजिश में मारा है। कब मारपीट हुई थी? अच्छा, कितने लोगों ने मारपीट की? उन्होंने करिया साहब, एक तो राकेश सर, अरे बाबा भी रुक जाओ बाबा, तो रास्ता पे ही रोके, पहले बैठे वहाँ पे 4-5 आदमी, तो घंटे बच के वहाँ बैठे, दो जगह बैठे भाई। क्या क्या नाम है कुछ पता है? राकेश, हरी सिंह और साहब का कहते हैं दिनेश और का कहते हैं वो का कहते हैं वो का कहते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? हरवेश गड़िया है, हरवेश और दानवीर। कुछ वजह पता चली आपको क्यों मारा है, क्या कारण? एक रामेश्वर लड़का, वो लड़का काली नहीं, वजह क्या है, क्यों मारा है, क्या कारण रहा? वो तो भी मालूम पुरानी कोई रंजिश सुनाए। खबर यूपी के एटा जिले से है, जहां गोदाम चौकी पर आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने एक पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया है। वहीं इस दौरान सीओसीटी ने इस बैठक में बताया कि होली के त्योहार और शबे बारात को देखते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान बैठक में सर्व समाज के नागरिकों और समाज सेवियों ने भी भाग लिया। देखिए, आगामी 17 और 18 तारीख में होली का त्यौहार और शबे बारात का त्यौहार है, उसी को ध्यान में रखते हुए पीस कमेटी की बैठक की गई। क्या व्यवस्था रहेगी होली के त्यौहार पे, क्या पुलिसिंग की व्यवस्था? देखिए, सबसे पहले 17 तारीख में होली का दहन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने चौकी पर मीटिंग रखी। किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट तो नहीं है होली का दहन को लेकर या कोई विशेष बात किसी त्यौहार को लेकर, रंग को लेकर किसी प्रकार का, लेकिन इस तरह का कोई विवाद नहीं आया है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पुलिसिंग की व्यवस्था की है कि ताकि होली का दहन शांतिपूर्वक संपन्न हो और इसी प्रकार के जो शबे बारात का त्यौहार है।
मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र के रहने वाले एक आरोपी द्वारा क्षत्रिय समाज के पृथ्वीराज चौहान का रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से क्षत्रिय समाज के युवाओं में भारी रोष व्याप्त है। आक्रोशित क्षत्रिय समाज की तरफ से थाना एलाऊ में नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि इस वजह से समाज में अशांति का माहौल पैदा हुआ है। समाज के लोगों को काफी ठेस पहुंची है। आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मामला है हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी और राजा भैया कुंडा के, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी की और उनके बारे में भद्दी गालियां मोबाइल पर लिखी गई हैं। राहुल यादव, सनौप शिवकेश यादव, आप लोगों ने क्या किया था? हम छत्तीस समाज के सैकड़ों लोग इकट्ठे होके थाने पहुंचे और उनके नाम से एक तहरीर दी है, वह मुकदमा दर्ज हुआ है। बांदा के मटौंद थाना में संदिग्ध हालत में किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कहा जा रहा है कि किसान पर 2 लाख रुपए का बैंक का कर्ज था और इसी परेशानी से तंग आकर उसने इस तरीके का कदम उठाया। ये भी जानकारी मिली है कि बारिश की वजह से किसान की सारी फसलें बर्बाद हो गई। की फसल में जो बिन मौसम बरसात हुई है, उस बरसात में पानी भर गया था। पूरी 10 बीघे में मतलब मटर बोया था, पूरा मतलब चौपट हो गया था, वो काटने लायक भी नहीं। जी जी। और 2 साल पहले लड़की की शादी हुई है बीच वाली की, तो उसमें कर्ज था इनके 2 लाख का, KCC बना है, 2.5-3 लाख रुपए अदर है, कुछ यार बीमारी हुआ, रिश्तेदारी हुआ, उसी टेंशन में ये 3-4 दिन से ज़्यादा परेशान रहते थे। और घर आते थे तो यही बोलते थे कि मैं कर्ज कैसे निपटाऊँगा, लड़की की शादी अभी एक ही करनी है, सारा लड़का देखना है, मानसिक टेंशन थी उनको। शुरुआत में फसल 8-10 बीघे 7-8 बीघे ज़मीन थी जी, उसमें बारिश हुई, खेत भर गया, उसमें मतलब फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। अब खेत जा गए तो वहाँ कुछ था नहीं, उसी से विक्षिप्त हो गए और ये कदम उठा लिया, फांसी लगा लिया। कब लगाई है ये? कल रात में लगाई, कल रात में जी, आज रात की। अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां दबंगों ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कार्य किया, जिसकी शिकायत बबलू गौतम ने उच्च अधिकारियों से की, पर मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं शिकायतकर्ता ने लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए दबंगों से रुपए लेकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें लेखपाल हिमांशु मित्तल भी शामिल है। ये खाद के गड्ढे हैं जिन पर गाँव के कुछ संजीव कुमार है, रामदास है, अवधेश कुमार हैं, वीरपाल सिंह हैं और कुछ गांव के दबंग लोग इनके साथ में मिलकर कब्जा करा रहे हैं साहब, मकान बनवा रहे हैं। इसकी शिकायत मैंने लेखपाल साहब को 4 महीने पहले ही की रखी है। लेखपाल मैडम आती हैं, नाप करके ले जाती हैं और कहती हैं कि मकान मत बनवाना, फिर भी उन्होंने पैसे लेकर ये मकान पूरा खड़ा करा दिया। उस मामले में कहना है वो कब्जा पहले से है, कई वर्षों से है, केवल उसका लेंटर भर रहा है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, कब जमीन कैसी है ये अवैध है या सही है, मैं नहीं जानता इसको। जी। इस मामले में लेखपाल साहब को उसका तुरंत ही लेखा जोखा देना चाहिए, आज तक उन्होंने कोई लेखा जोखा नहीं दिया है। हमें कैसे पता चलेगी ये जमीन पंचायती है? आइए उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।